हर शुक्रवार को सड़क पर पढ़े जाने वाले जुमे की नमाज अब मेरठ प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया। बकायदा आज एसएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि अब से जुमे की नमाज सड़क पर अदा करने का प्रतिबंध है। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि नियम के खिलाफ कोई भी काम किया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बैठी नमाज को लेकर खास तौर से कुछ भ्रम पैदा हो रहा है, क्या स्थिति है सर? किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। अभी शहर के जो भी शहर के नायब काजी और बाकी लोग आए थे, हम लोग की सारी बातचीत हो गई है। नमाज को लेकर ईद की बकरीद की जो भी तैयारियां प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाती हैं वो की जा रही हैं, और एक स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी कि जो भी नियम संगत नहीं है वो कार्य न किए जाएं, और इस चीज़ से शहर काजी और बाकी लोग भी सहमत हैं। अभी यहाँ काफ़ी देर विस्तृत वार्ता हुई है, और जो बकरीद की नमाज है वो सकुशल यहाँ की पुलिस और प्रशासन सम्पन्न कराएगा। एक इशू ऊँट को लेकर था, ऊँटों के संबंध में एक आदेश है, इसकी कापी इन लोग को दे दी गई और ये सारे लोग सहमत हैं कि हाँ ये लीगल है, और ऊँटों का कटान हम लोग स्वयं लोगों से करके कि ना करें। और दूसरा एक इशू था शुक्रवार को सड़क पे नमाज पढ़ने को लेकर, उस संबंध में हम लोग की आपस में बातचीत की गई, उसमें भी इन लोगों का ये कहना है कि यातायात प्रभावित होता है और सड़क पर जो शुक्रवार की नमाज होती थी दो मस्जिदों में वो हम लोग अब नहीं कराएंगे और नमाज मस्जिद के अंदर होगी, तो किसी भी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। थैंक यू।